राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक रविवार रात से ही विरोध शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बाहरी नेताओं को टिकट देने पर खुलकर सवाल उठाते हुए विरोध की शुरुआत की है। कई निर्दलीय विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक खुलकर रिएक्ट नहीं किया है। बाहरी बनाम राजस्थानी का विरोध बढ़ा तो राज्यसभा में कांग्रेस की 3री सीट पर संकट आ सकता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने राजस्थान के किसी भी नेता को टिकट नहीं देकर बाहरी नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए हैं। बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है, कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा में राजस्थान से जाने का अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर जो चुनाव सामने है अगले वर्ष राजस्थान की विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को भारी आघात पहुंचेगा। संयम लोढ़ा के ट्वीट पर सीएम के नजदीकी कांग्रेस नेता और स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने पलटवार किया। अरोड़ा ने जवाबी ट्वीट किया, मेरे मित्र, अखबारों के अनुसार सबसे पहले आपने ही 3 उम्मीदवार बाहर के लाने की सलाह दी थी। आपकी राय को काफ़ी महत्व मिला, लगता है बस नाम बदल गए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कांग्रेस को 3 सीट जीतने के लिए 123 वोट चाहिए, हर उम्मीदवार को 41-41 वोट जीतने के लिए ज़रूरी है। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं, इनमें से 6 बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले भी हैं। 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा है। 1 आरएलडी कोटे के सुभाष गर्ग हैं, यह संख्या 122 ही पहुँचती है। इसके बाद 2 CPM और 2 BTP के विधायक भी पहले गहलोत सरकार को समर्थन और वोट दे चुके हैं। कांग्रेस को 3री सीट पर जीत के लिए CPM BTP में से किसी एक का समर्थन जरूरी है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई है। संयम लोढ़ा सीएम के साथ हैं, लेकिन 4 से 5 निर्दलीय विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। निर्दलियों के 2 वोट भी खिसक गए तो कांग्रेस का नंबर गेम बिगड़ जाएगा। BTP के 2 विधायक हैं, BTP इस बार आदिवासी को टिकट नहीं मिलने पर नाराज है। BTP विधायक राजकुमार रोत पहले ही कह चुके हैं कि आदिवासी को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। CPM का रुख भी साफ नहीं है। ऐसी हालत में कांग्रेस के पास 3री सीट जीतने का संख्या बल गड़बड़ा जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।